नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑडियो विज प्राइम में। मैं हूं आपका दोस्त अमन सारडा और लेके आया हूं आपके लिए गजब गजब की न्यूज। तो आशा करूंगा आज की ये डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का डेली डोज और आशा करता हूँ आपको हमारा कल का डेली डोज पसंद आया होगा। यहाँ पर आप जानते हैं अभी गेम प्ले लेके नहीं आ रहे तो बने रहिए, मंडे तक आपको हमारा मोर्टल कॉम्बैट का गेम प्ले मिल जाएगा और आशा करेंगे आपको वो पसंद आएगा। यहाँ पर बात कर ले आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो ये आ रही है ट्विटर की तरफ से और यहाँ पे ये लेके आ गए हैं एक डेडिकेटेड रिपोर्ट बटन। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। तो अगर आप कहीं पर कोई मिसलीडिंग इलेक्शन पोस्ट देखते हैं तो उसे रिपोर्ट कर दीजिए और बता दीजिए। तो ये नया फीचर आ चुका है। अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये नया फीचर पसंद आया कि नहीं। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है गार्मिन की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दी है वीवो 4 एक्टिव ट्रैकर बैंड। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा। यहाँ पे बात कर लें इसके फीचर की, तो यहाँ आपको OX सेंसर मिल जाता है, यानी पल्स OX सेंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको हार्ट रेट सेंसर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको REM स्लिप मिल जाएगा, फिटनेस के लिए ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पर ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपकी हेल्थ पे आप इजिली कंट्रोल रख सकते हैं और सारी चीजों के बारे में आपको मालूम रहेगा इस एक्टिव ट्रैकर पर। तो बताइए क्या सोचते हैं, क्योंकि यहां पे जो प्राइसिंग रखी गई है वो है 12,990 की। तो क्या आप इतने रुपए लगा के इस नई बैंड को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये सोनी कंपनी की तरफ से और यहां पर अगर आप यूज करते हैं अल्फा 7R3, तो यहां पर आ चुका है नया फर्मवेयर अपडेट और इसके अंदर आपको रियल टाइम ट्रैकिंग देखने मिलेगी, आउट ऑफ कस्ट देखने मिलेगा। यहां पे जो कैमरा क्वालिटी है वो पहले से अच्छी हो चुकी है, कंपनी का कहना है कि आपको कलर रिप्रोडक्शन भी अच्छा देखने मिलेगा और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो पहले से बेहतर मिलने वाला है। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इनमें से कोई भी एक कैमरा यूज करते हैं, अगर करते हैं तो क्या यह अपडेट कर लिया, अगर कर लिया तो एक्सपीरियंस के साथ शेयर कीजिए हमारे साथ। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये गूगल फिट ऐप से और ये अब आपको देखने मिल जाएगा iOS के अंदर। जी हाँ, iOS के अंदर ये देखने मिल जाएगा। तो यहां पर अगर आप यूज करते हैं एप्पल की वॉच तो यूज कीजिए गूगल फिट को और अपनी हेल्थ पे कंट्रोल कीजिए। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि iOS के अंदर आ जाए गूगल फिट ऐप और आप उसके मजे ले सकें, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रहे हैं HMD ग्लोबल के नोकिया 81104G डिवाइस से। जी हाँ, ये बनाने वाला डिवाइस यहाँ पर आ चुका है वर्जन 15 अपडेट और इसके तहत आपको व्हाट्सअप और फेसबुक देखने मिल जाएगा ग्लोबली। जी हाँ, तो इजीली आप इन दोनों का मजा उठा सकेंगे इस 4G डिवाइस के अंदर। अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको ये दोनों नए ऐप पसंद आए कि नहीं आए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये डिश टीवी की तरफ से और यहाँ पर ये लेके आ गए हैं अपना नया ऐप, ये है वॉचो। जी हाँ, हमने इसके लीक शेयर की थी जिसके अंदर बताया था कि ये ओरिजिनल शोज आपको देखने मिलेंगे, तो ऐसे ही आपको इसमें देखने मिलेगा। आप देख भी सकते हैं कुछ इस प्रकार से ओवरऑल लुक मिल रहा है। यहाँ पर आपको हिंदी, कन्नड़ा और तेलुगु लैंग्वेज में मिलेगा ओरिजिनल शोज, तो आप देख ही सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ क्रिएटिव प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो यानी आप वीडियोज क्रिएट करके डाल सकते हैं और उसके भी मजे उठा पाएंगे। तो यहाँ पे बात कर लें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग अभी कन्फर्म नहीं है, परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस नए वॉचो ऐप को यूज करना पसंद करेंगे। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये जाबरा कंपनी की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने लॉन्च कर दिया है इवोल्व 65E। जी हाँ, आप देख सकते हैं ये नेक बैंड है और ओवरऑल लुक वाइज ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, वायरलेस आपको ये मिल रहा है। बात कर लें यहाँ पे फ्यूचर की, तो यहाँ आपको 13 घंटे की म्यूजिक प्लेबैक टाइम मिल जाएगा और 8 घंटे का टॉक टाइम मिल जाएगा, 12 mm का आपको डायनेमिक ड्राइवर देखने मिलेगा, पैसिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आएगा, आपको यहाँ सील्ड ईयर जेल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर ईयर थ्रू फ्यूचर मिलेगा जिसके तहत आप आसपास की नॉइस को, यानी आसपास के लोग कुछ बोल रहे हैं आपको, तो वो उसको सुन पाएंगे। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पर आपको स्काइप बिजनेस सर्टिफिकेशन मिल जाता है, साथ ही साथ आपको सिस्को का मिल जाता है, अविया का मिल जाता है, यूनिफाई का मिल जाता है और ऐसे ही बहुत सारे आपको सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आप एक बार में 2 डिवाइस इजिली कनेक्ट कर सकते हैं और 8 डिवाइस तक आप इजिली कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको एक बटन देखने मिलता है जिससे आप म्यूट कर सकते हैं और ओवरऑल आप लुक देख ही चुके हैं कुछ इस प्रकार से मिलता है। बात कर लें यहाँ पे प्राइसिंग, तो इसके लिए पे करने होंगे 20,320 रुपीज। अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस वायरलेस नेकबैंड ईयरबड्स को लेना पसंद करेंगे।
बात करें अगली टेक्नोलॉजी तो यार ये गूगल क्रोम 74 से और ये आ चुका है एंड्रॉइड के अंदर और यहाँ पर आपको देखने मिला है एक नया फीचर जो कि है लाइट मोड। जी हाँ, इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्राउजिंग जो है वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही प्यारी मिलेगी और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है 74 वेरियंट के अंदर। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप यूज करते हैं गूगल क्रोम 74? अगर करते हैं तो क्या आपको ये नया अपडेट पसंद आए कि नहीं आए? बात करें अगली टेक्नोलॉजी तो यार ये अमेजोन इंडिया की तरफ से और यहाँ पर आ चुकी है समर सेल। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समर सेल चालू हो चुकी है और ये आपको देखने मिलेगी 3 मई से, यानी अगर प्राइम मेंबर हैं तो 3 मई से चालू होगी और नॉन प्राइम वालों के लिए 4 तारीख से ये स्टार्ट होगी। यहाँ पे बात कर लें क्या क्या देखने मिलेगा तो यहाँ आपको हर एक प्रोडक्ट पे गजब का डिस्काउंट मिलेगा, चाहे वो मोबाइल ले लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले लीजिए, तो आपको हर जगह अच्छा अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है और आप पूरे लाभ उठा सकते हैं इस सेल के। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप इस सेल का लाभ उठाना चाहेंगे तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली टेक्नोलॉजी तो ये आ रही है ICRA की तरफ से और यहाँ पे इन्होंने शेयर की है एक रिपोर्ट जिसके अंदर इन्होंने बताया कि फरवरी 2019 में वायरलेस ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन बेस जो है वो पहुंच चुका है 532 मिलियन का। जी हाँ, यहाँ पे बात करें उन चीजों की तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो रिलायंस जियो है उसने लीड की है मार्केट शेयर के अंदर और 56% का यहाँ रहा है इनका, यही भारती और वोडाफोन आइडिया का 21% रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायरलेस ब्रॉडबैंड बहुत इंक्रीज हो रहे हैं, देखते आने वाले टाइम में क्या और आंकड़े देखने मिलते हैं और क्या ओवरऑल वायरलेस ब्रॉडबैंड हाँ आने वाले टाइम में आपको गजब की एक्सपीरियंस पहुंचाते कि नहीं। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी कोई वायरलेस ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए हमारे साथ। बात करें अगली और फाइनल टेक्नोलॉजी तो ये आ रही है मारुति सुजुकी की तरफ से और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि इन्होंने अपनी बलेनो की प्राइसिंग जो है वो हाइक कर दी है। जी हाँ, बढ़ा दी है और ये है 19,499 तक। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बलेनो महंगी हो चुकी है। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि यहाँ पे ये जो प्राइस हाइक हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा कंपनी को प्राइसिंग कम रखनी चाहिए ताकि आप इजिली गाड़ी नई नई ले सकें और उनके एंजॉयमेंट ले सके? तो कमेंट कीजिए और बताइए, साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन सारड़ा, भारत माता की जय।